हाय गाइस, वेलकम टू शर्कर ट्रेडर्स। और शर्कर ट्रेडर्स में मैं खुशी सर आपके साथ बताऊंगा कि कल का दिन पे कैसे मार्केट रह सकता है, क्लियरली गैप अप ओपनिंग का क्या सिनारीज है ये मैं आपको समझाऊंगा। आज का दिन मार्केट क्या हुआ है, पहले हम समझ लेते हैं कि आज का दिन पे मार्केट क्या हुआ है। अगर हम इसे ठीक से समझेंगे ना, तभी हम कल का दिन समझ पाएंगे, राइट। सबसे पहले चीज़ देखिए, सबसे पहले चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। मॉर्निंग यहाँ पर ओपन हुआ, ओके, ओपन होने के बाद थोड़ी सी बुलिशनेस, बट इतनी जल्दी हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। फिर जब मार्केट लो आया तो सुबह का लो को ब्रेक नहीं किया है, ध्यान से देखिएगा, सुबह का लो को ब्रेक नहीं किया है, राइट। तो इन सिनारीज पे अंदर एक ट्रेड लाइन बनाया है। और कल के सेशन पे जो मैं वीडियो बनाया था वहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली सिग्नल लिखाया था, ठीक है, क्या लिखाया था अब उसको मिला के देखिए। तो मैंने ये ट्रेड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया था, और आज के मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होने के बाद ही आपको ट्रेड करने के लिए कहा गया था, याद आ रहा है क्या? आप हर रोज देखते हैं हमारा वीडियो, अगर देखते हैं हर चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, अपना दिमाग को शांत रख कर ट्रेड करते होंगे, तो मुझे लगा कि आज आपने बहुत अच्छा ट्रेड किए हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी किए हैं, है कि नहीं? चलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने क्या किए हैं। और देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यस्टरडे इवनिंग हमारा ऑल स्टूडेंट के साथ मीटिंग बैठे थे, उनके साथ हम हर मंथ एक बार मीटिंग बैठते हैं जो उन लोग क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाया था, मैं वो चीज़ आपको भी दिखाता हूँ, और उनको मैं पहले से क्लियरली गाइड कर दिया था। देखो ये जो सिनारीज बन रहा है ना, ऑन आवर्स का चार्ट है, ये जो सिनारीज बन रहा है ना, इस सिनारीज को जैसे ही ब्रेक होगा तो निफ्टी हमारे को बहुत अच्छा एक टारगेट दिखाएगा, ठीक है, क्लियरली दिखाया हमारे को। देखो इतनी सी अगर मोमेंटम मार्केट में आ गया ना, तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। मैं भी क्या था यहाँ पे 1000 क्वांटिटी में काम किया था और एक अच्छा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया, अरे समझ में। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट सर यहाँ से डाउन क्यों हुआ, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से डाउन क्यों होगा। तो पहली बात तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जहाँ पे ऑप्शन सेलर ज़्यादा बैठते हैं, तो 20,100 के करीब पहुँच गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बनता है। चलो ये था निफ्टी का आज का सिनारीज, बट कल का सिनारीज क्या होगा मैं फिर से बता रहा हूँ। जो कल का सिनारीज पे हमें गैप अप अगर होके 20,100 के ऊपर अगर आ जाएगा, तो थोड़ी सी पॉइंट इसे देख लीजिएगा, इन जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट में और बुलिशनेस आ सकता है, ऐसे मेरा मानना है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, इस जोन को ब्रेक करने के बाद देखो इस जोन को ब्रेक कौन कराएगा, निफ्टी किससे चलता है, अदरवाइज इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में थोड़ा बेयरिशनेस आ सकता है। हम अभी ऑप्शन चेन देखेंगे और ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रुझान हमारे को दिखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये था फुल्ली यहाँ पे टेक्निकल सेटअप एक जो मैं आपको समझा दिया हूँ, ज़्यादा कुछ परेशानी झेलना नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है, ठीक है। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो आज जैसे बैंक निफ्टी आपको सुबह के टाइम पे थोड़ा घुमाया है, देखो हमेशा अगर एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो ना, तो पहली बात तो मैं जो मानता हूँ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, बट प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाते हो, ठीक है। क्या करते हो, तो प्रॉफिट हो गया ना सुबह, एक फिक्स अमाउंट रखो जो मुझे हर रोज 5,000 रुपये कमाना है, कि मुझे हर रोज 10,000 रुपये कमाना है, कि हर रोज मुझे 2,000 रुपये कमाना है, ये जैसे ही हो जाता है आप मार्केट छोड़ दिया करो मेरा भाई, ओके। तो मार्केट छोड़ देंगे तभी वो पैसा बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा सर, राइट। चलो तो कल के सेशन पे हम यही देखते हैं, उम्मीद तो है कि मार्केट पॉजिटिव हो सकता है ओपन, बट अगर नहीं हुआ तो मार्केट में कोई 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकता है ना, तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, ओके। तो मार्केट अगर इस जोन से नीचे जाता है तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो एज पर ट्रेंड लाइन, एज पर प्राइस एक्शन, हमारे को मार्केट का सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है आप खुद ही देख पा रहे हो, तो ये जोन मार्केट में फिर से बन सकता है, क्लियर। अब मैं इसके अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन चेन देखूं कि ऑप्शन चेन क्या कह रहे हैं, तो यह है NSE का इंडिया का ऑप्शन चेन, और उस ऑप्शन चेन में मेनली क्या क्या चीज़ रहता है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, IV, LTP, ओके। देखो एक्सपायरी डे का जो लास्ट टाइम का हीरो जीरो है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम का जो हीरो जीरो है उसका ऑप्शन चेन में आपने जाना है और IV देखना है। अगर IV 5 से बिलो 5 या बिलो 8 चल रहा होगा तो वो ऑप्शन में हीरो जीरो नहीं बनेगा, एक बड़ी चीज मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब देख लीजिएगा कि आपको अगर लगता है कि मुझे 2:30 बजे के बाद कोई हीरो जीरो लेना है, तो अगर ये IV आपको 8 7 to 8 के ऊपर नहीं होगा तो आपको मोमेंटम नहीं आएगा मार्केट में,
ओके चलो आज कल का ऑप्शन चेंज समझ लेते हैं। तो कल का ऑप्शन चेंज क्या आ रहा है यहाँ पे, जो सपोर्ट आ रहा है 20,000 पे, रेजिस्टेंस आ रहा है 20,100 पे। सीधी सी बात है, 20,100 के ऊपर गैप अप ओपन होकर रुकेगा तो फिर यहाँ से 20,200 जाने का चांसेस है। क्लियर? देखो यहाँ पे पुट साइड में भी हर 100 पॉइंट नीचे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर है, ओके। कॉल साइड में भी हर 100 पॉइंट ऊपर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर है, यानी कि कल के लिए मार्केट का रेंज जो मुझे दिख रहा है वो है 20,200 से लेके और 19,900, ये ब्रॉड रेंज मुझे निफ्टी के लिए दिख रहा है कल का सेशन पे। ओके ये ब्रॉड रेंज मुझे दिख रहा है। तो ट्रेड मैं कहाँ पे करूँगा, या तो मुझे 20,100 के ऊपर मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे धीमे 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 मैं कॉल साइड में रहूँगा। वो भी मैं ऑप्शन चेन को देखूंगा कि 20,100 के ऊपर इस जगह पे 2 लाख से ऊपर ओपन इंटरेस्ट आ गया क्या, आ गया है, और इस साइड में 1.5 लाख या 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है, तब भी मैं कॉल साइड में अच्छा से बैठूंगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो हर जगह पे ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट आपको 20,100 के ऊपर ही ओपन होने का चांसेस है। क्लियर? 20,100 के ऊपर ही ओपन होने का चांसेस है। तो आई होप कि निफ्टी के लिए आपको सारे एंगल से मैं समझा दिया हूँ कि निफ्टी में मैं कैसे ट्रेड करूंगा। ओके अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट कहाँ पे गया है आज, चलो एक नंबर वॉच लिस्ट बैंक निफ्टी, ये है हमारे सामने बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का सबसे बड़ी चीज मैं एक दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा जरा ध्यान से देखिएगा। ओके ये आपका सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इस बैंक निफ्टी का चार्ट में देखिए कि बिल्कुल यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट था। मैं कल का सेशन में भी बताया था कि ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है और इन सपोर्ट से बाउंस बैक आया है मार्केट में। तभी देखो सुबह में एक स्टॉप लॉस हुआ था हमारा टेलीग्राम चैनल का कॉल पे, बट उसके बाद जो कॉल दो तीन कॉल दिया हूँ, तीनों कॉलों में आपको प्रॉफिट कराया हूँ। ठीक है, आपको जो लॉस कवर हो गया था। ठीक है, तो लिमिटेड ट्रेड करना है हमें, ये ध्यान दीजिएगा। ओके अब चलिए अब जो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे कल का रेंज। देखो सबसे पहला चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँगा, देखते हैं एक बार एक्स ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है। जैसे निफ्टी का बताया है कि निफ्टी गैप अप आ सकता है ना, तो बैंक निफ्टी का क्या बता रहा है। तो हमने बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन ओपन हो गया, ये है एट द रेट मनी। देखो जिन लोग बिगिनर्स हैं ना वो समझने का कोशिश करो, अगर आपको समझ में नहीं आता है, या 20 स्टूडेंट अगर कमेंट करता है कि सर मुझे ये ऑप्शन चेन समझ में नहीं आता है, तो मैं ऑप्शन चेन के ऊपर बहुत ईजिली फिर से मैं कल के अंदर ही वीडियो बना दूंगा कि आप इन चीज़ को समझिए। ओके तो नेक्स्ट एक्सपायरी का देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए 46,000 एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है ही है, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और पुट साइड में 45,500 पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 46,000 से 45,500 ये जोन है बैंक निफ्टी का। ठीक है, एज पर ऑप्शन चेन यही जोन है, बट ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ तक इंक्रीज होकर आया है, 46,000 तक आया है। कितना है, 58,000, और यहाँ पे कितना है, 58,000, दोनों तरफ बराबर का पल्ला है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल जोन है बैंक निफ्टी के लिए, बहुत ही क्रिटिकल। आप बोलोगे सर मैं कॉल ऑप्शन लेकर चला हूँ, मैं बोलूँगा बिंदास हो, अगर लेके चले हो तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो कर लिए हो तो कर लियो, 10 वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है ना गाइस। चलो तो ये था ऑन डे का चार्ट। अब ऑन डे का चार्ट का आज का हाई ब्रेक होगा, देखो ऑन डे का चार्ट का आज का हाई ब्रेक होगा, थोड़ी देर स्टे करेगा, यहाँ से 300 पॉइंट का मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। और क्या चाहिए सर, 300 पॉइंट का मोमेंटम तो मिलता है, बट 50 पॉइंट ऊपर जाके जब नीचे आता है ना हम डर जाते हैं। देखो यही पॉइंट सीखने का है। ठीक है, अगर 50 पॉइंट ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो नीचे सपोर्ट कहाँ पे लेगा, कहाँ पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक होगा, यही चीज़ हमारा ऑनलाइन क्लास में सिखाया जाता है। ओके सर समझ में आ रहा है? चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि छोटी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या ट्रेडिंग बन रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मैं आपको एक ही गाइडनेस यहाँ पे करूँगा कि छोटी टाइम फ्रेम पे ये जो जोन चल रहा है, देखो लास्ट टाइम पे ये जोन को डाउन ब्रेक किया है, बट कोई बात नहीं, मॉर्निंग सेशन पे अगर इस जोन से ऊपर चला जाऊँगा तो मैं इसी रफ्तार से अपसाइड में रहूँगा। बट कल निफ्टी का ऑप्शन एक्सपायरी है, आप लोग ज़्यादातर निफ्टी में ही ध्यान दोगे मुझे पता है, बट मैं यही कहूँगा आपको कि निफ्टी का कौन सी कॉल का कौन सी पुट पे ध्यान देना है, इसके लिए आप मॉर्निंग अपडेट वीडियो देखिए, और उसके बाद ट्रेड जो करना है 1, 2 या 3,
मैक्सिमम इतना ही ट्रेड करना है। ये अगर कर पाओगे तो आपको पैसा कुछ रुकेगा। और जो मैं बताया हूँ 2:30 बजे के बाद हीरो जीरो, जो आईवी का अगर ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप हीरो जीरो मत देखिए, जो सुबह सुबह कमाए होंगे वो भी पूरा चला जाएगा। ओके चलो गाइस, तो कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक का बटन से हमें समझ में आता है। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर देखते हैं, नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए फिर तैयार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।